हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको परवल आलू की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी देने जा रही हूँ, जिसके आगे चिकन मटन भी फेल है। जी हाँ गाइस, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है ये रेसिपी और बहुत ही ज़्यादा आसान है इस रेसिपी को बनाना। तो शादी पार्टी में सर्व की जाने वाली इस परवल आलू की फुल रेसिपी जानना चाहते हैं गाइस, तो इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल कुक विद सोफिया। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं परवल आलू की इस बेहतरीन रेसिपी को। तो सबसे पहले एक पैन को गर्म कर लेंगे गैस पे। जैसे ही पैन गर्म होगा, हम उसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो आप यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। इसमें हम शैलो फ्राई करेंगे परवल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने परवल ले लिया है 300 ग्राम। इसे इस तरह से मैंने छील कर, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ट्राइंगल शेप में कट कर लिया है, यानी कि थोड़ा सा तिरछा इसे कट किया है, जिससे कि इसका शेप बहुत ही अच्छा दिखता भी है और बहुत अच्छा लुक आता है इसका। तो इस तरह से कट कर लें आप। तो अब हम थोड़ी देर के लिए परवल को शैलो फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने लगभग 5 मिनट तक इसे शैलो फ्राई किया है, जिससे कि इसका कलर काफ़ी अच्छा बढ़िया सा आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसी तेल में आलू फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 से 7 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिसे भी इसे कट कर लिया है छीलकर। अब हम इसे भी फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो देखिए 2 से 3 मिनट में ही हाई फ्लेम पे इसे फ्राई किया है मैंने और बहुत ही अच्छा सा इसमें भी कलर आ गया है। इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल जो बचा हुआ है उसमें भी सब्जी बना सकते हैं, मैंने उसे निकाल दिया है। और यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है 2 टीस्पून के करीब। तेल को हो जाने देंगे बहुत अच्छे से गर्म। तो तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 5 से 6 हरी इलायची और एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 2 तेज़ पत्ते। फ्लेम को कर देंगे लो पे और 1 से 2 मिनट तक इसे इसी तरह से फ्राई होने देंगे, ताकि इनका फ्लेवर बहुत अच्छे से रिलीज हो जाए इसमें। तो देखिए 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से मैंने लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच के करीब लहसुन और अदरक, जिसे बहुत ही बारीक मैंने कट कर लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो देखिए ये दोनों चीज़ें भी मैंने भून लिया है कुछ देर तक। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक कट कर लिया है। अब हम इसे ऐड कर देंगे। प्याज को ऐड करने के बाद थोड़ी देर चलाते हुए इसे भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो देखिए थोड़ी देर इन सभी चीज़ों को भूनने के बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर एंड 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया है। सभी चीज़ों को चलाते हुए भूनेंगे लो फ्लेम पे। अब हम मसाले में 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे और साथ के साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। नमक को चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हम मसाले को ढककर पकाएंगे। तो इसे कवर कर देंगे और ढककर पकाएंगे लगभग 5 मिनट तक के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं गाइस, ढक्कन हटाकर चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मसाला भुन गया है। आप देख सकते हैं तेल भी इसका सेपरेट हो गया है। एक बार इसे चला लेंगे अच्छे से। तो मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें परवल और आलू ऐड कर देंगे, जो हमने शैलो फ्राई करके रखे हुए थे। एक बार अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे मसाले में।
अब हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे पतली ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं। आप चाहे तो गाढ़ी अगर ग्रेवी रखनी है तो कम पानी ऐड करें। एक बार अच्छे से चला लेंगे। तो सभी चीजों को अच्छे से चलाने के बाद इसे कवर कर देंगे और इसे कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे लगभग 10 मिनट तक के लिए। तो 10 मिनट तक मैंने इसे कुक किया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब इसका ढक्कन हटाकर चेक करते हैं कि हमारी सब्जी अच्छे से पकी है या नहीं। तो हम परवल को चेक करेंगे इस तरह से उठाकर, तो हाथों से चेक करेंगे तोड़कर। इस टाइम पे बहुत गर्म है परवल, तो बहुत ही केयरफुली इसे चेक करें। तो हाथों से दबाने पर ये आसानी से टूट रही है, मींस बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब हम आलू को भी चेक कर लेंगे। तो आलू को इस तरह से चम्मच की हेल्प से दबा कर देखेंगे तो आलू भी अच्छे से गल गए हैं, ये भी टूट रहे हैं बहुत इजीली। तो अब गैस को कर देंगे ऑफ। सब्जी हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम इसमें दरदरा पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे, सूखा धनिया, जिससे कि बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसमें आता है। इसके साथ ही थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया भी ऐड कर देंगे, जिससे कि इसकी खूबसूरती में भी लग जाएगा 4 चांद और टेस्ट में भी। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी परवल और आलू की बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी लगती है, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें गाइस। उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यम्मी परवल और आलू की रेसिपी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप आ सकेंगे मेरे हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।